अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे। जी जनाब, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एफ डी स्पोर्ट्स लाइव और मैं हूँ फराज अली। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एच बी एल पी एस एल 2024 में 26वां मैच अब तक इधर पहले ख़त्म हुआ है। ये मैच खेला गया कराची किंग्स वी एस लाहौर कलंदर्स के दरमियान, ज़बरदस्त किस्म का ये मैच हुआ है, तो उसकी मुकम्मल अपडेट देंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल एफ टी स्पोर्ट्स लाइव उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि क्रिकेट के रिलेटेड जो भी वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो दोस्तों, आगाज़ करते हैं और बात करते हैं कराची किंग्स वी एस लाहौर कलंदर के मैच की। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों टॉस की, तो टॉस जीता कराची किंग्स के कप्तान ने और उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया। लाहौर कलंदर की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 20 ओवर में 177 रन बनाए और उनके 5 खिलाड़ी आउट हुए। जी तो दोस्तों, बात करेंगे लाहौर कलंदर के बैट्समैनों की, तो दोस्तों लाहौर कलंदर की जानिब से अब्दुल्ला शफीक ने 55 रन बनाए, 39 गेंदों का उन्होंने सामना किया। फ़खर जमान ने 54 रन बनाए, 35 गेंदों का उन्होंने सामना किया। और डेविड वीजे ने 24 रन बनाए, 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया और वो नॉट आउट गए। तो दोस्तों, ये थी लाहौर कलंदर के बैट्समैनों की अपडेट। और अब बात करेंगे कराची किंग्स के बॉलर्स की, तो दोस्तों कराची की जानिब से एक दफ़ा फिर से जायद ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करा दी है। जायद महमूद ने 4 ओवर में 27 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अनवर अली ने 4 ओवर में 36 रन देके 1 खिलाड़ी को आउट किया। और ब्लेसिंग मुजर रब्बानी ने 4 ओवर में 40 रन देके 1 खिलाड़ी को आउट किया। तो दोस्तों, ये थी कराची किंग्स के बॉलर्स की अपडेट। और कराची किंग्स की टीम को ये मैच जीतने के लिए मुकर्रा 20 ओवर में 178 रन का टारगेट मिला, क्योंकि कराची किंग्स की टीम ने लास्ट बॉल पे चेस किया, लास्ट बॉल पे 3 रन चाहिए थे और शोएब मलिक ने चौका लगा के ये मैच जीत लिया है। और कराची किंग्स दोस्तों ये मैच 3 विकेटों से अपने नाम कर चुकी है। और अब बात करेंगे कराची किंग्स के बैट्समैनों की, तो दोस्तों कराची की जानिब से जेम्स विंस ने 42 रन बनाए, 27 गेंदों का उन्होंने सामना किया। टिम सैफर्ड ने 36 रन बनाए, 33 गेंदों का उन्होंने सामना किया। और इरफान खान नियाजी ने 35 रन बनाए, 16 गेंदों का उन्होंने सामना किया। तो दोस्तों, ये थी कराची किंग्स के बैट्समैनों की अपडेट। और अब बात करेंगे लाहौर कलंदर के बॉलर्स की, तो दोस्तों लाहौर की जानिब से तैयब अब्बास ने 3 ओवरों में 23 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। सिकंदर रजा ने 4 ओवर में 23 रन देके 1 खिलाड़ी को आउट किया। और शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर में 37 रन देके 1 खिलाड़ी को आउट किया। तो दोस्तों, ये थी लाहौर कलंदर के बॉलर्स की अपडेट। और जैसे कि मैंने पहले बताया, दिलचस्प मुकाबले के बाद कराची किंग्स ने ये मैच 3 विकेटों से अपने नाम कर लिया है। जी तो दोस्तों, यदि एच बी एल पी एस एल 2024-26 मैच कराची किंग्स वी एस लाहौर कलंदर के मैच की मुकम्मल अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। और मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल एफ टी स्पोर्ट्स लाइव उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि क्रिकेट के रिलेटेड जो भी वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।